वंस अगेन आई एम हसन अरबानी। सो हमने अभी हमारा रेशो का चैप्टर चल रहा है क्योंकि रेशो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंटिन्यूड रेशो होता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो डेली लाइफ में कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें भी हमारा शेयर का होता है, शेयर यूज़ होता है। कि अब हम इसमें देखें, एक हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 11 रेशो 8 एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 6 रेशो 7। तो सॉल्यूशन, अब हमारे पास तीन रेशोज हैं, ठीक है, हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशोज। तीन क्वांटिटीज हैं, हम लिख रहे हैं एक्स रेशो वाई रेशो जेड। अब हम देखेंगे एक्स के हमारे 11 है, हमने 11 लिखा, और वाई के हमारे पास अब दो जो है क्वांटिटीज हैं, एक 8 है और दूसरा हमारा 6 है और ये हमारा जेड का है। तो हम लिखेंगे वाई एक, अब इसमें देखिए इस लाइन को हमें छोड़ना है, ठीक है, जेड का है 7 और फिर हमारा y का जो है 6 है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखें 11 मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 6 और 8 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 11 द 66, 8 6 द 48, 7 8 द 56। अब हम देखेंगे दो का टेबल इन पर जाता है, इस पर 33 टाइम और इस पर 24 टाइम और इस पर 28 टाइम। अब हम यहाँ पर देखें कि कोई ऐसा टेबल है जो तीनों पर जाए, नहीं, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो तीनों पर जाए, इसलिए ये हमारा आंसर है। अब याद है इसमें ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि एक फादर है इन तीन बच्चों का, उन्होंने उसको $2000 दे दिया। अब उनको कह रहा है कि आपको डिवाइड करना है इस रेशो के हिसाब से, एक को मिलेगा 2 रेशो, दूसरे के मिलेगा 3 और फिर तीसरे को मिलेगा 5 रेशो। नाम है नोमान, मुजम्मिल एंड अली। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन रेशोज का सम करते हैं, 2 + 3 + 5, ये टोटल हमारा हो जाएगा 10। इट मीन्स हमें इस $2000 को 10 हिस्सों में तकसीम करना है, फिर जो जिसका पहले नाम होगा वो उसका रेशो होगा। अब देखें पहले नोमान का नाम है, उसका रेशो है 2, हम 2 लिखेंगे, टोटल डिवाइड में हम लिखेंगे जो हमारा सम है रेशोज का टोटल है वो लिखा, अब जो हमारी टोटल रकम है वो हम लिखेंगे। अब देखें 10 का 0 हमने 0 में काट दिया, बच गया 2 × $200, तो हम 2 को 2 से करेंगे 400, तो नोमान्स का जो शेयर होगा वो होगा $400। अब है मुजम्मिल का, मुजम्मिल का शेयर कितना बनेगा, मुजम्मिल का रेशो है 3, तो हम 3/10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में सेम 2000, अब 0 को हमने 0 से काट लिया, अब 3 × 200, 2 को 3 से करेंगे $600 उसको मिलेंगे मुजम्मिल को। अब देखें अगर हम अली का शेयर, अब हम मुंह जबानी भी निकाल सकते हैं, देखेंगे अगर हम 400 और 600 को प्लस कर रहे हैं 1000 हो जाएगा, 2000 अगर हम 1000 निकालें तो हमारे पास एक 1000 ही हो रहेगा जो हमें पता चल जाएगा अली का शेयर है। अब हम कर रहे हैं अली का शेयर जो उसमें 5 है, तो 5/10 × 2000, 0 को हमने 0 से काटा, 5 × 200, अब 200 को 5 से करेंगे तो हमारा 1000 बन जाएगा, तो अली को शेयर मिलेगा 1000। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल रकम है $2000, अब हम 400 + 600 + 1000 करेंगे तो हमारा 10000 आ जाएगा। और इस प्रॉब्लम पे से आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो सकता है, 8 भी है और उसके बाद 13 प्रॉब्लम है जो इस एग्जाम्पल पर होता है आपका, और ये पर इस पर आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा 12 इस एग्जाम्पल को होगा। और आगे भी हम मजीद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम जो 9B एक्सरसाइज में जो हमारी चीज़ें आ रही हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह।